आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। और आज बनाएंगे फारा, स्टफिंग वाला फारा, इसको बंगाली में बोलते हैं दूध पुली। चलिए कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। देखिए, स्टफिंग फारा बनाने के लिए ये चावल के आटा को हमने थोड़ा से नमक और गर्म पानी देके हल्का से मिला के रख दिए थे 3-4 घंटा। और इसमें लगेंगे कच्चा नारियल और कच्चे नारियल और गुड़, और ये दूध में डालने के लिए ये गुड़। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें ये गुनगुना गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसी तरह इसको मैश करेंगे। देखिए, 1 चम्मच गुनगुना गर्म पानी से मैश हो गया, क्योंकि पहले से हम इसको पानी से भिगो के रखे थे। अब जो यूपी में फारा बनता है उसमें कोई स्टफिंग नहीं देते, हम लोग इसी में इसी तरह थोड़ा से नारियल और जरा सा गुड़ मिला के ऐसे डालेंगे और बस इस तरह से दबा लेंगे, हो जाएगा फारा। इसको बोलते हैं स्टफिंग वाला फारा। इसको दूध में अब बनाएंगे, बॉयल करेंगे। अब इसको झटपट झटपट बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये आटा कड़ा हो जाएंगे। अब ऐसे बनाने से बहुत सॉफ्ट बनता है दूध पुली, इसको बंगाली में बोलते हैं दूध पुली। इसको इसी तरह 3-4 घंटा पहले गुनगुना गर्म पानी से हल्का से गूंद के रख दीजिए। उसके बाद फिर 1 चम्मच गुनगुना गर्म पानी से गूंद के इसी तरह बना के दूध में बॉयल कर लीजिए, तो ये कड़ा नहीं होगा दूध में जाने के बाद भी। सॉफ्ट दूध पुली बनेंगे, बहुत टेस्टी बनता है। देखिए, उतने आटा में, चावल के आटा में इतना स्टफिंग फारा बना, और बंगाली में बोलते हैं पुली। अब इसको दूध में खौलाएंगे। दूध को पहले हम ऑलरेडी गर्म करके कम करके रखे थे, गाढ़ा करके। अब इसमें डालेंगे एक एक करके, बहुत जल्दी बहुत टेस्टी स्टफिंग फारा तैयार हो जाते हैं। इसको बंगाली में बोलते हैं दूध पुली। ये मकर संक्रांति के दिन बनाते हैं। अब इसको एक बॉयल आ जाए, उसके बाद आगे हाई फ्लेम में इसको एक बॉयल आने के तक इंतजार करना है। देखिए, एक बॉयल आ गया। अब जो चावल का आटा पहले से हम पीस के रखे थे उसमें उसको थोड़ा से छीट देंगे, हल्का से छीटेंगे, दो दो तीन चुटकी, और फिर गैस को बंद कर देंगे। जरा सा ठंडा हो जाए उसके बाद गुड़ को डालेंगे, इस तरह से गुड़ को डाल देंगे। जो बचा हुआ नारियल गुड़ अभी बॉयल हो रहा है, तो ठंडा हो जाए तब डालेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा। इसको ज्यादा पकाना नहीं चाहिए, एक बॉयल आ जाए तो इसको बंद कर दीजिए, कि नहीं तो दूध पुली जो है कड़ा हो जाएगा। देखिए, ये ऐसे होता है। ये जरा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे, गरम गरम गुड़ डालने से फट जाएंगे। अब ठंडा हो गया, अब इसमें गुड़ डालेंगे, मीठा अपने पसंद का, और जो नारियल बचा है उसको डाल देंगे। और ये इलायची पाउडर इसको डाल देंगे, थोड़ा से काजू क्रश किया हुआ डाल देंगे, इसको हल्का से मिला के छोड़ देंगे, ढक के छोड़ देंगे। एकदम ये गुल पिघल जाएंगे तब खाने लायक हो जाएगा। देखिए, ठंडा हो गया और गुड़ भी मेल्ट हो गए। अब इसको थोड़ा से हिला के इसको परोसिए और खाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल की घंटी भी ज़रूर हिट कीजिए, ताकि मेरे चैनल में नया नया जो रेसिपी आता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये इतना टेस्टी होता है दूध पुली की रेसिपी, आप भी घर में बनाइए
और मकर संक्रांति एंजॉय कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट। चलिए गुड नाइट बोले, ये दूध पूली की रेसिपी हम रात को बनाए डिनर के साथ खाने में, इतना टेस्टी होता है ना, आप एक बार बना के देखिए, आप कई बार बना के खाएंगे ये दूध पूली की रेसिपी।